नमस्कार, मैं हूं अनूप सिंह और आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। और आप देख रहे हैं अनुदेश टेरेस एंड गार्डन चैनल। मैंने कुछ आम के पौधे माँ अन्नपूर्णा नर्सरी वेस्ट बंगाल से मंगाए हैं, जिसका बॉक्स मुझे आज प्राप्त हुआ है। और इस बॉक्स की मैं अभी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के पौधे उन्होंने भेजे हैं। तो आइए वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि माँ अन्नपूर्णा नर्सरी वेस्ट बंगाल ने मेरे को आम के पौधे किस तरह के भेजे हैं, वो इस बॉक्स के अंदर हैं। अभी खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। बहुत अच्छी की गई है। आप देख सकते हैं एकदम से ग्रीन है पौधे और स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल। और ये देखिए कितनी अच्छी पैकिंग की गई है। उन्होंने साथ में बांस की फटियां लगाई गई हैं ताकि पौधा जो है ना कोरियर के दौरान जो है ना डैमेज ना हो, और अच्छे से पैक करके भेजे हैं उन्होंने। और ये आम के पौधे जो है कॉटिमोन मैंगो के हैं, जो कि साल में 2 बार फल देते हैं, और इसको हम टेरेस गार्डन में आसानी से गमले में भी उगा सकते हैं। ये एक पट्टी और लगा रखी है, एक साइड रख देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना अच्छे से पैकिंग की है, ये देखिए। और ये प्लांट आप देख सकते हैं, इस प्लांट का कितनी ब्रांचेज हैं। और ये बहुत सुंदर पौधा है, ये कार्टिमोन है और ये साल में 2 बार फल देगा, और इसको मैं अपनी टेरिस गार्डन में लगाऊंगा। तो आगे का अपडेट आपको मैं दिखाऊंगा। और इसको आप देखिए कि इसका स्टेम, इसका तना कितना मोटा है। वाकई में बहुत स्वस्थ पौधे उन्होंने भेजे हैं। आप देख सकते हैं इसका स्टेम कितना मोटा है, ये देखिए। बहुत अच्छा लगा मुझे, उनके जो पौधे हैं बहुत अच्छे। मैं ये साइड में रखता हूँ, अभी देखते हैं दूसरा पौधा किस तरह का है। वाह, ये भी उन्होंने अच्छे से पैक किया हुआ है। और इसको भी मैं अभी बाहर निकालता हूँ। ये उन्होंने बांध रखा है यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से भी उन्होंने अच्छे से पैकिंग की हुई है। और इसमें भी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, पौधे स्वस्थ हैं एकदम से, बहुत अच्छे पौधे हैं। ये देखिए इसका स्टेम काफी अच्छा है, काफी मोटा है इसका स्टेम भी, और पौधा काफी स्वस्थ है। ये देखिए बहुत अच्छे पौधे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये दूसरा पौधा है, इसको भी मैं यहाँ रख रहा हूँ साथ में ही। और ये इनमें कुछ स्प्राउट्स है, देखते हैं कि ये इसका बोर है या पत्ते आएंगे, ये आने वाले समय में ही पता लगेगा। तो ये बोर भी हो सकता है और ये पत्ते भी हो सकते हैं, लेकिन आगे की वीडियो में इसको मैं दिखाऊंगा कि क्या है।
तीसरा पौधा अभी मैं निकाल रहा हूँ, ये भी इसी तरह से पैक किया हुआ है और ये भी मल्टी ब्रांचेस में है और पैकिंग अच्छे से है। इसका भी देखिए, आप देख सकते हैं स्वस्थ पौधा है एकदम से ये भी, और इसकी भी ब्रांचेस कितनी शाखाएं हैं, बहुत सारी वेरियस शाखाएं हैं। और आप देख सकते हैं कि ये भी एक स्वस्थ है एकदम से ग्रीन पौधा है, ये आप देख सकते हैं एकदम से ग्रीन है, इसके पत्ते कितने ग्रीन हैं, स्वस्थ है पौधा एकदम से। तो माँ अन्नपूर्णा नर्सरी ने जैसा बोला था वैसे प्लांट मेरे को भेजे हैं, ये बहुत अच्छा पौधा है, ये भी काटीमान का पौधा है। अब चौथा पौधा है, अरे वाह, आप देख सकते हैं, आपने अभी तक जो देखा पहले तीन पौधे जिस तरह से अच्छे पैक किए थे, ये भी बहुत अच्छे से पैक किया हुआ है, और आप देखेंगे कि ये कितना स्वस्थ, और इसका तना देखिए, आप देख सकते हैं इसका तना कितना मोटा है, कितना मोटा तना है, और इसका ग्राफ्ट ये यहाँ पे है, ये इसका ग्राफ्ट आप देख सकते हैं, ये ग्राफ्टेड हैं सारे के सारे, और इनकी ब्रांचेस आप देख सकते हैं, और कितना स्वस्थ और एकदम से ग्रीन पौधा है, ये भी आप देख सकते हैं कितने ग्रीन पत्ते हैं इनके, कितने हरे एकदम से ताज़ा पत्ते लग रहे हैं, और ये बहुत स्वस्थ पौधे हैं आप देख सकते हैं। ओ ये कुछ पत्ते गिरा दिए, और ये पौधा जो है संतरे का है, और ये पौधा माँ अन्नपूर्णा नर्सरी ने गिफ्ट के तौर पे भेजा है। और एक बात और कहना चाहूँगा, मैंने जो पहले वीडियो अपलोड किया था उसमें मेरा पौधा एक डैमेज हो गया था, तो एक पौधा माँ अन्नपूर्णा नर्सरी ने मुझे उसके बदले में भेजा है। मैंने तीन पौधे मंगाए थे लेकिन उन्होंने चार भेजे हैं, एक पौधा जो डैमेज हुआ था उसके बदले में भेजा है, और ये पौधा जो है उन्होंने जो है ना ये संतरे का जो पौधा भेजा है ये गिफ्ट के रूप में भेजा था, उन्होंने पहले भी एक गिफ्ट के तौर पर ऐसा पौधा भेजा था। तो मैं माँ अन्नपूर्णा नर्सरी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतने स्वस्थ पौधे मेरे को भेजे हैं, और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर कोई ऐसा पौधा मंगाना चाहते हैं, आप भी अपनी छत पे लगाना चाहते हैं, तो माँ अन्नपूर्णा नर्सरी का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनके एड्रेस और मोबाइल नंबर से उनसे संपर्क स्थापित करके ऐसे पौधे लगा के आप भी बगिया को हरा भरा बना सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।